हेलो वेलकम। उत्तराखंड का जब से नोटिफिकेशन आया है, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहा है कि उत्तराखंड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि उत्तराखंड का इम्पोर्टेंस अब UKPCS 2024 में काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ गई है, आखिर हुआ क्या है ऐसा। सेकेंडली वी विल डिस्कस द सिलेबस, एक एक पॉइंट देखेंगे कि उन्होंने सिलेबस में एक्चुअली लिखा क्या है। मैं आपको सच बताऊं तो सिलेबस में बहुत चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही है, लेकिन किन चीज़ों को हमें और टच करना चाहिए जिन्हें हम अनटच छोड़ देते थे वो, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए, कहां से आपको ये उत्तराखंड की नई चीज़ें नए तरीके से कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है इम्पोर्टेंस, और ये क्लियर हो जाता है इस स्लाइड को देख करके ही कि इम्पोर्टेंस क्या है। 33% ऑफ योर पेपर, देखो प्री में एक दो पेपर होते हैं, उसमें से जो पहला पेपर होता है उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनती है। सेकेंड पेपर आपको केवल क्लियर करना होता है। तो इस पहले पेपर में आपको 33% उत्तराखंड से आना ही आना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में लिखा है। कई लोगों से ये चीज़ छूट गई है, दोबारा देखिए, यानी 50 out of 150 questions आर मैंडेटरीली फ्रॉम उत्तराखंड, ये आने हैं। अभी तक क्या होता था कि कभी 25 कभी 30 इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, वो प्रपोर्शन बढ़ा दिया गया है। 20% से सडनली दे हैव गॉन टू 33%। सो नेचुरली कुछ चीज़ें इसमें चेंज रहेंगी कि कैसे आपको तैयारी करनी। दूसरी चीज, मेंस का भी 30% जो पोर्शन है वो आपका उत्तराखंड से आएगा। दो तो पेपर्स आ गए 200 ईच के, तो कुल मिला के 400 मार्क्स के, और एक एससी का जो क्वेश्चन आएगा वो उत्तराखंड बेस्ड होगा। तो 450 मार्क्स, दैट इज 1500 का 30%। जो आप प्री की तैयारी करोगे वो यहाँ पर भी आपके काम बहुत सारा आने वाला है, और इसलिए आपको प्री से ही उत्तराखंड का जो बेसिक्स हैं, उत्तराखंड की जो आपको जो आपकी नींव डालनी है वो बहुत ही गहरी और बहुत ही मजबूत डालनी है, ताकि मेंस में जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग भी करनी होती है, जीएस भी पढ़ना होता है, हिंदी के लिए भी करना है, उत्तराखंड पे थोड़ा बहुत एफर्ट भी मारोगे तो चलेगा। और एक अच्छी बात बता दूं, भले ही ये 33% और 30% हो गया हो, मैं ये कहूँगा कि 10 to 15% टाइम भी अगर उत्तराखंड को दोगे ना, अभी तक लोग इतना भी नहीं देते। इफ़ यू गिव दिस मच टाइम टू उत्तराखंड, इट वुड बी वर्थ इट, ये आप कवर कर पाओगे पूरा का पूरा। दूसरा जो पेपर है, ऐसे ही बता रहा हूँ इंसिडेंटली, वो है एथिक्स का, जिसमें कम समय दे करके अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उत्तराखंड हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू रीविजिट, हमें दोबारा देखना है कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अभी तक जो भी प्री में कर रहे थे उससे काम नहीं चलेगा। तो किससे काम नहीं चलेगा, अभी तक लोग पास्ट पेपर्स करते थे और सोचते थे कि यार उत्तराखंड में पास्ट पेपर्स से काफी रिपीट होता है, होता है, ये बात सच है। आप ये देखोगे कि पास्ट पेपर्स से, अगर इस बार मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए, तो पास्ट पेपर्स से कम 8-10 क्वेश्चन आते थे, और अभी भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन केवल पास्ट पेपर्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रपोर्शन बढ़ चुका है क्वेश्चंस का। सेकंड चीज, आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिलेंगी, हमारी भी बुक आती है उत्तराखंड 2024, आई थिंक इंग्लिश में और कोई बुक आती ही नहीं है। तो उत्तराखंड 2023 मार्केट में 24 निकालने वाले हैं, इस एक बुक से काम नहीं चलेगा। भले ही आप कोई हिंदी की बुक उठा लो, मैं परीक्षा वाणी का नाम ले लूँ या किसी का भी ले लूँ, उस एक बुक से काम नहीं चलने वाला है। आपको सोर्सेज अपने थोड़े से वैरी करने पड़ेंगे, थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। क्या क्या करने पड़ेंगे थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। देन स्किपिंग एरियाज, कुछ एरियाज हम पूरी तरह से स्किप कर देते थे, जैसे उत्तराखंड की पॉलिटी में कुछ पोर्शन पढ़ते थे थोड़ा बहुत, कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, लेटेस्ट गवर्नर कौन है, फर्स्ट लेटेस्ट से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था जो स्टेट का होता है, या फिर फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन था स्टेट फाइनेंस कमीशन का, और बाकी चीज़ें जनरली स्किप करते थे। अब उससे काम नहीं बनने वाला है, आपको उत्तराखंड का जो पॉलिटी है, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, उत्तराखंड का जो इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने हैं उन्होंने, तो कहीं से तो बनाएंगे, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बना देंगे, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन बना देंगे, पूरे 50 नहीं कर सकते। तो बैलेंस करने के लिए उनको उन एरियाज को टच करना पड़ेगा जहां से अभी तक क्वेश्चंस बहुत मिनिमल आते रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब एक एक करके देखते हैं सिलेबस का। सिलेबस में आप देखोगे तो यूनिट्स दे रखी हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 करके। यूनिट 1 में आपका हिस्ट्री एंड कल्चर है, और वहाँ पे उत्तराखंड की जो हेडिंग है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, सब कुछ एक्सपेक्टेड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में उत्तराखंड कैसा था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, देन एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, कुनिंद, योधेय, कार्तिकेयपुर, कत्यूरी, इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है। उसके बाद मेडिवल पीरियड में आ गए,
तो फिर वो गढ़वाल की डायनेस्टी और कुमाऊं की डायनेस्टी, चंद और परमार के बारे में, देन गोरखा इन्वेजन, उसके बाद ब्रिटिश रूल और टिहरी एस्टेट लिख दिया है एस्टेट। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ना स्पेलिंग मिस्टेक्स देखी हैं, वो रहेंगी, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, यूपी में भी रहती हैं, उत्तराखंड में भी रहती हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा सिलेबस को समझने के लिए। देन फ्रीडम मूवमेंट इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है नेशनल मूवमेंट में इंडिया के, तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वहां से काफी कुछ पूछा जा सकता है। देन पीपल्स मूवमेंट्स इन उत्तराखंड, ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तराखंड की, पहले भी था, अब यहां से और अच्छा और अधिक आ सकता है, जैसे टिंचरी माई के बारे में पहले भी पूछते थे, पर हो सकता है कि अब और ज्यादा स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट से लेकर के फॉर एग्जाम्पल गांव बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो वो आपको दिमाग में रखना है। अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स लिख दिया है, अब इसका मतलब क्या है, उत्तराखंड का कल्चर, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, तो कल्चर से काफी कुछ पूछा जा सकता है। कई लोगों को ये डाउट है कि क्या भाषा बोली से पूछ लेंगे, मुझे नहीं लगता कि भाषा और बोली से कुमाऊनी गढ़वाली से आपको पूछा जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में फॉर एग्जाम्पल जो खान पान है, उत्तराखंड के जी आई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, उत्तराखंड में जो जो आभूषण और वस्त्र पहने जाते हैं, उत्तराखंड में अभी होली चल रही है कुमाऊं की, इन सबके बारे में, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ आर कल्चर, उन सबके बारे में, यही नहीं उत्तराखंड में जो रिलीजियस फिगर्स हैं जो बाकी देश से अलग हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, लिख के रख लो एग्जाम में देख लेना, तो इसकी तैयारी आपने करनी है। देन अगर आप उसका यूनिट टू देखेंगे, वहां पे ज्योग्राफी के बारे में, अगेन नथिंग अनएक्सपेक्टेड, सेम चीज जो पहले थी वही लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, बेसिक चीजें, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। अब जैसे ये चीज है, इसको हम कम टच करते थे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, अब टच करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। मेजर सिटीज एंड टूरिस्ट प्लेसेस, यहां से क्वेश्चंस काफी कम बने हैं, तो वो आपको करने पड़ेंगे। जनरली क्वेश्चंस क्या होते थे, देहरादून के बेसिस पे बन जाते थे, अब क्या है क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो आपको जो एरिया दिखेगा वो थोड़ा एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा, कि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनसे रिलेटेड। पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहां से क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे, ये इंपॉर्टेंट हमेशा से सेक्शन रहा है, क्योंकि सेंसस हमेशा ही पूछा गया है और काफी सारे क्वेश्चन सेंसस से आते, 4-5 क्वेश्चन पहले आते थे, 4-5 क्वेश्चन अभी भी आएंगे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पावर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थोड़ा सा इग्नोर्ड सेक्शन था, इस बार और ज्यादा पूछा जाएगा। नेचुरल हैजार्ड्स एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो कि ज्योग्राफी रिलेटेड हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी वाला, अब ये आप देखोगे ना पूरा सेक्शन जनरली ट्रीविया बेस्ड आज तक पूछा गया है। ट्रीविया मतलब जैसे थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, इस तरह की चीजें आज तक पूछी गई हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें अब ये थोड़ा डीप डाइव करके और अच्छी चीजें पूछ सकते हैं। कौन सी चीजें, देखो नीचे लिखा हुआ है ना गवर्नेंस, इसमें एक्चुअली पहला वर्ड गवर्नेंस है, मैंने हटा दिया ताकि ढंग से दिखे, गवर्नेंस इन्होंने नीचे भी लिखा है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, अभी एक नई चीज इसमें जुड़ गई है, वो है यूसीसी, यहां लिखा है ना अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो यूसीसी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान से करना है। वैसे ही पब्लिक पॉलिसी और राइट्स रिलेटेड इश्यूज, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, तो उत्तराखंड में एक राइट टू सर्विस भी है, सेवा का अधिकार, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी चाहिए। जहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं वहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं उनके पास में क्या है, क्वेश्चन बनाने के लिए अब चीजों का अकाल होगा, पुरानी चीजों को वो इतना दोहरा नहीं सकते, नई चीजों को पकड़ेंगे। बाकी तो जो है वो चल ही रहा है, ये इसमें आप मेजर अगर देखोगे तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह टाइप से रिलेटेड है, जो उत्तराखंड के लिए कुछ अलग नहीं। उत्तराखंड में गवर्नर, लेजिस्लेशन, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, क्या यूपी से अलग है? बिल्कुल भी नहीं। यहां आपसे पूछ क्या लेगा, बस यही तो ट्रिविया ही पूछ सकता है। पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाईकोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन, सेम चीज ही तो जरा से यही पूछ लेगा। हाईकोर्ट है कहां पे? इतना आसान भी नहीं पूछेगा यार, नैनीताल में हाईकोर्ट सबको पता है, और शिफ्ट हो रहा है गोलापार में। तो आपको कुल मिलाकर के उस सेक्शन पे फोकस करना है जहां ट्रिविया नहीं पूछी जाती है, जिसको अभी तक टच नहीं किया गया है। देन ये ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज वगैरह, यहां पे बहुत कुछ नहीं, लेकिन स्पेशल स्टेट जो क्राइटेरिया है या फिर जो ग्रीन बोनस है, इस जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो उत्तराखंड में एवरग्रीन है वो पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए हम काम करेंगे। अच्छा, मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड बजट्स, ओके बाय द वे, तब तक क्या होंगे, इलेक्शंस हो चुके होंगे,
और जो नए MPs वगैरह हैं वो आ चुके होंगे, आई थिंक वहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। MP का नाम या जो राज्यसभा MP हैं, लोकसभा MP हैं, अच्छे क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकते हैं कि पुराने MPs कौन रहे हैं, नए MPs कौन हैं। नाउ इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड बजट्स, इकोनॉमिक सर्वे करना इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे कम टच किया गया है, इस सेक्शन को प्री में कम पूछा गया है जो अब पूछ सकते हैं। उसी तरीके से टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा पूछ लेंगे, उत्तराखंड में कोई ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए भी नहीं है। प्लांट डेवलपमेंट क्या पूछ सकते हैं आप पे? लेकिन ये वाला सेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी किस तरह की उत्तराखंड में रही है। सेंसस दोबारा आ गया पॉपुलेशन वाला, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ आप एक चीज़ देखा लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक चीज़ और लिख लो SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू उत्तराखंड, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, पूछ सकता है। रोल ऑफ हर्ब्स एंड कल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उत्तराखंड, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका थोड़ा सा कम हमने आज तक इसको पढ़ा है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, थोड़ा यूनिक सा टॉपिक है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, इन्होंने लिखा है तो इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। करंट इवेंट्स ऑफ द स्टेट, मुझे लगता है कि इस पे बड़ा जोर होगा अगर 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 50 में मेरा अजम्पशन ये है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछेंगे, नहीं तो उन्हें क्वेश्चन बनाना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि मैं भी एक वो बनाता हूँ ना कि हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज बनाते हैं, तो हमें पता है कि क्वेश्चंस बनाने के लिए हमको करंट इवेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, नहीं तो अगर केवल उत्तराखंड से पूछेंगे तो कितना पूछ सकते हैं। तो आप ये चीज़ करंट इवेंट्स कम से कम इनको खाली नहीं छोड़ सकते, ईजी है कवर करना, इनको कवर करना हमको चाहिए। कुछ थाट्स है, नंबर वन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो आप कह सकते हो कि उत्तराखंड में आज तक ज्योग्राफी हिस्ट्री हैवी रहा है, उसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा गया है, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आ सकते, उतना तो पूछेंगे ही। पॉलिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी में अब जो अनटच्ड एरियाज हैं वो हमारे लिए गोल्ड माइन है, उनको हमें टच करना है, ये मेरा असेसमेंट है, ऑनेस्ट असेसमेंट है। तो हमको कुछ नए रिसोर्सेज चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, जो बुक्स हैं वो तो करनी ही करनी है, परीक्षा वाणी हो, UK 2024 हो, देखो ये हमारी अपनी बुक है तो मेरे को तो उसका प्रचार करना ही करना है। परीक्षा वाणी जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बुक है, नो डाउट, तो आप उसको कर सकते हैं और काफ़ी डिटेल में रहता है। न्यूज़पेपर्स जो उसके कंपेडियम होते हैं ना न्यूज़ की, अब कई बार मतलब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, कई बार अच्छे भी निकलते हैं, पर जब मैं उत्तराखंड की न्यूज़ देखता हूँ तो वो क्या करता है, ज़बरदस्ती की न्यूज़ चिपकाई हुई होती है, उसमें से कम न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट होती है, दृष्टि निकालता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, इसका कंपेंडियम हम निकालेंगे मंथली, मेरे ख्याल से वो सफिशियंट होगा, उसके अलावा कुछ फॉलो मत करना, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो इस साल का है वो हम लोग कवर कराएंगे, तो वो एक अच्छा है, नहीं तो आप अपने स्तर पर भी कवर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड रिपोर्ट्स, अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में है, उत्तराखंड में दो बॉडीज हैं जिनमें काफ़ी सारा रिपोर्ट और डेटा आपको मिलेगा। नंबर वन इज DES, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स, DES की वेबसाइट है, वहाँ पे जाइएगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी, उन रिपोर्ट्स में से काम की चीज़ आपको निकालनी है और पढ़नी है। वैसे ही CPPGG, दिस इज सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, एक तरह का थिंक टैंक है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, इसकी वेबसाइट पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ एक इन्वेस्ट उत्तराखंड करके वेबसाइट है, वहाँ पे पॉलिसी का कंपेंडियम दिया है, उसको भी आप कर सकते हो। इतने सोर्सेज अगर आपने कर लिए तो आपका उत्तराखंड 100% तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, 90% से ऊपर कवर हो जाएगा, आप 50 में से 45 नंबर तो ले आओगे। और देखो 150 नंबर का पेपर होता है तो कितना ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, 45 नंबर की कितनी वैल्यू है वो आप समझते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, जल्दी ही बाकी सेक्शंस को लेकर के भी मैं आऊँगा, अलग अलग पेपर्स पे भी डिस्कस करेंगे फॉर उत्तराखंड 2024। थैंक यू वेरी मच।